दिल्ली के IAS कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की जान जाने के सिलसिले में पुलिस ने पानी से लबालब भरी सड़क पर SUV कार चलाने वाले SUV ड्राइवर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने 50 साल के ड्राइवर मनोज कथूरिया को जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि शुक्र है आपने बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। पुलिस का आरोप है कि जलमग्न सड़क के पानी पर तेज रफ्तार कार चलाने की वजह से लहरें उठी, जिसकी वजह से कोचिंग सेंटर का दरवाजा टूट गया और बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे छात्रों की जान चली गई। SUV ड्राइवर मनोज कथूरिया को गुरुवार को दिल्ली की एक सेशंस कोर्ट में कहते हुए जमानत दे दी कि आरोपी के मामले में अति उत्साह में फंसाया गया। उसे 29 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबकर हुई गई 3 बच्चों की जान के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। कथूरिया को गैर इरादतन हत्या के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसने अब तक दिल्ली नगर निगम के किसी भी अधिकारी से पूछताछ तक नहीं की और ना ही नगर निगम से कोई भी अलग तरीके से कोई फाइल जब्त की, जो कि एक महत्वपूर्ण सबूत माना जा सकता था। जस्टिस तुषार राव गढ़ेला की पीठ के हवाले से कहा गया कि जिस तरह से पुलिस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है, उससे उसे पानी पर भी जुर्माना लगा देना चाहिए और कहना चाहिए कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। पीठ ने कहा कि आपने पूछताछ के लिए किसी को भी नहीं बुलाया, शुक्र है कि आपने बेसमेंट में घुसने वाले बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। आप कहते हैं कि पानी की हिम्मत कैसे हुई बेसमेंट में घुसने की, आप पानी पर भी जुर्माना लगा सकते थे, जिस तरह से आपने SUV चालक के कार पर चालान लगा दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस का सामना तब होगा जब वो अपराधी को गिरफ्तार करेगी और निर्दोष को छोड़ देगी। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।